विधायक समीर कुणावर ने किसानों के हित में बिजली कटौती तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर 14 फरवरी 2022 से लगभग 100 गांवों के सरपंचों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर वर्धा कार्यालय के सामने श्रृंखला उपोषण शुरू किया था। उनकी सरकार के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। ऊर्जा राज्य मंत्री वर्धा के दौरे पर थे। विधायक कुणावर से मुलाकात कर अपनी मध्यस्थता के माध्यम से अस्थायी रूप से अपनी श्रृंखला हड़ताल रद्द कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मार्च को इस मुद्दे पर सदन को 4 बार स्थगित करना पड़ा। वर्धा जिले में किसानों के हित के लिए विधायक कुणावर द्वारा छेड़े गए संघर्ष से पूरे महाराष्ट्र के किसानों को फायदा होगा और मौजूदा सीजन में इसका फायदा किसानों को जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष सफलता से संतुष्ट हैं और इस दौरान उनके साथ रहे सभी भाजपा सांसदों, आमदार, सरपंचों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज सेवा के सभी समर्थक का विधायक समीर कुणावर ने धन्यवाद दिया। आज सभागृहामध्ये 3 ते 4 वेळा भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि विरोधी पक्षाचे आम्ही सर्वांनी 20 प्रश्नांवर गदारोळ केला आणि 3 ते 4 वेळा सभागृह बंद पडलं आणि आज शेवटी सरकारला नाईलाजाने शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीबाबत निवेदन करावं लागलं। अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीपासून आम्ही सर्व आमदार आक्रमक आहोत की शेतकऱ्यांची वीज तोडणी थांबली पाहिजे, पण हे सरकार पूर्णपणे धोक्यामध्ये आहे। शेवटी आजसुद्धा आम्ही सकाळपासून ती मागणी लावून धरली, तेव्हा आता ऊर्जा मंत्र्यांनी घोषित केलं की 3 महिनेपर्यंत कुठल्याही शेतकऱ्यांची लाईन कापणार नाही। मागच्या 20 दिवसापूर्वी मी 7 दिवस वर्धा येथे उपोषणासाठी बसलो, माझ्यासोबत 100 सरपंच, त्याचप्रमाणे रोजचे 300 ते 400 शेतकरी असे आम्ही कलेक्टर ऑफिस समोर वर्धेला उपोषण। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवी यनोरकर की रिपोर्ट।